गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट्स ए से लेकर जेड तक एमएस वर्ड में आप कैसे यूज करेंगे। मैं एक एक स्टेप जो है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। एक ही वीडियो काफी है, एक ही वीडियो में आप सारे के सारे कीबोर्ड शॉर्टकट सीख जाएंगे। कैसे याद करना है वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। साथ के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। देखिए, हम एक नई फाइल ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एक नई फाइल जो है ले ली है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, हमें एक पैराग्राफ चाहिए, तो इक्वल और आपको लिखना है आर ए एन टी और यहाँ पे आपको लगाना है ब्रैकेट और यहाँ पे इसको कर देंगे एंटर। अब देखिए, एक पैराग्राफ आपके सामने। अब देखिए, हमारा जो पहला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ए टू सेलेक्ट ऑल डेटा। मैंने कंट्रोल ए दबाया, आप देख सकते हैं सारा का सारा जो टेक्स्ट है या जो भी इसके अंदर इमेज कुछ भी होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसमें से सिर्फ जो है इतना पार्ट ही मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ मैंने दबा दिया बी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है आपका। ठीक है, सो कंट्रोल बी का क्या यूज होता है, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तीसरा है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। अब देखिए, आपने ये जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट किया हुआ, इसको कॉपी करना है, तो कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे सी। अब मान ली यही टेक्स्ट आपको कहीं और चाहिए, मान लो यहाँ चाहिए, तो कंट्रोल के साथ दबा देंगे वी, तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट आपने वहां से कॉपी किया था वो टेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट। आप कितनी बार भी इसको पेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार कॉपी किया तो एक ही बार कर सकते हैं, कितनी बार भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी, फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं, आप बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी को आप जो है साइज को बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई, सेंटर, यानी टेक्स्ट को अगर सेंटर में लेके आना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस ई। देखिए, बहुत ही इजी जो है और बहुत ही यूजफुल जो है ये कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। जैसे आपने दबाया आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा जो है सेंटेंस सेंटर में आ गया। अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सेंटर में चाहिए तो कंट्रोल प्लस ई दबा दीजिए, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ ही सेंटर में आ गया। और कंट्रोल ए दबा के करेंगे तो सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है कुछ भी है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ, किसी शब्द को फाइंड करने के लिए। कोई आप नेम फाइंड करना चाहते हो किसी का, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नेम लिख दिया है, रोहन लिख दिया या मोहन लिख दिया, इधर मैं अगर नीचे लिखूं विजय, अजय, ठीक है। अब आपको कोई भी नेम फाइंड करना है, मान लो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एफ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मोहन, राइट, तो ये मोहन को फाइंड कर देगा। अगर आप यहाँ पे रोहन लिखेंगे तो ये रोहन को फाइंड कर देगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कमांड है ये नया वर्जन है इसलिए यहाँ पे शो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, देखिए फाइंड, ठीक है, तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एफ यहाँ पे ये आ जाएगा। कोई भी नेम फाइंड करना है, रोहन फाइंड करना है, रोहन लिखा और आपने फाइंड कर दिया तो रोहन फाइंड कर दिया, जो भी आप नाम लिखेंगे उसी को फाइंड कर देगा। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए। अब किसी लाइन पे आपको डायरेक्ट जाना है तो कंट्रोल जी आप प्रेस करेंगे और लाइन नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाला 4, तो ये लाइन नंबर 4 पे चला जाएगा आपका कर्सर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मान लो हमारे बहुत ज्यादा पेज हैं 1 2 3 4, ठीक है, और लाइन नंबर पे आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे लाइन नंबर डाल देंगे। मैंने डाला 6, तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 6 में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बुकमार्क पेज, ये अभी बना नहीं रखा तो आपके बुकमार्क बनाएंगे तो ये बुकमार्क पे चला जाएगा। ठीक है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए मैंने, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और फिर इंसर्ट में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन होता है, तो इस जगह को एक नेम डाल दिया मैंने, ठीक है, एस एस, और एड कर दिया, एक मैंने कर्सर यहाँ पे लिया और फिर से इंसर्ट में जाके मैंने बुकमार्क किया और यहाँ पे डाल दिया डी डी, इस तरह से एड कर दिया 2। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे है कंट्रोल जी, मैंने प्रेस किया, बुकमार्क मैंने यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि किस बुकमार्क पे जाना चाहते हो, एस एस को सिलेक्ट किया, गो टू, तो आपका कर्सर वहीं पे आ जाएगा। ये देखिए आपका कर्सर कहाँ गया, यहाँ पे हमने एक बुक मार्क ऐड किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की वो शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है इसको इटैलिक करना है, कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इटैलिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट की वो शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैंने एक पैराग्राफ लिया,
इस तरह से फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं मैंने दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए, लेफ्ट साइड से तो इक्वल है बट राइट साइड से इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस जे, तो आप देख सकते हैं राइट साइड से भी इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अगर हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जे दबाते हैं, ये देखिए आपका राइट साइड से भी इक्वल, यानी लेफ्ट और राइट से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट हाइपरलिंक। देखिए जब भी आपको हाइपरलिंक ऐड करना हो अपने डॉक्यूमेंट में, फाइल में, तो आप कंट्रोल प्लस के दबाएंगे, इससे आपके सामने हाइपरलिंक का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और किसी भी फाइल का लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिंक दे दिया, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल, टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करना है। देखिए जैसे कि इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ हेडिंग बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग बना दी कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब मुझे इसको राइट में करना है तो कंट्रोल आर दबा देंगे, और सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई, लेफ्ट में लेके आना है तो कंट्रोल एल दबा देंगे, तो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ एम, इंडेंट, इंडेंट बढ़ाने के लिए। ये क्या होता है, देखिए ये पैराग्राफ है, मैं कंट्रोल एम दबाऊंगा तो देखिए ये थोड़ा सा हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप रूलर में भी हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। तो ये इंडेंट हमें दिखा रहे हैं, अब इसको वापस लेके जाना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ क्यू, रिमूव करने के लिए इंडेंट को। देखिए मानो इसको रिमूव करना है मुझे, तो कंट्रोल के साथ क्यू दबाऊंगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, आपको नई फाइल ओपन करनी है, आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो आप कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, एन दबाएंगे, और आपके सामने जो है नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की वो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ, किसी फाइल को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो कंट्रोल ओ दबाइए, और आपके सामने रिसेंट फाइल ये जो है शो कर देगा, आप कोई भी फाइल जो है ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने कोई भी फाइल ओपन कर दी, तो आप देख सकते हो इस तरह से आप किसी भी जो फाइल आपके अंदर ऑलरेडी सेव है कंप्यूटर में वो आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ दबाएंगे पी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पेज प्रिंट करना है, दो करना है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू, इंटेंट को रिमूव करने के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कंट्रोल आर, टेक्स्ट को अलाइन राइट साइड में लेके जाना है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे। कंट्रोल एस होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ये देखिए कंट्रोल एस जैसे आप दबाएंगे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, किसी भी करंट फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। अब देखिए सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, सेव करने का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ आप एस दबाएंगे, बट सेव एज का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है F12, अगर आप F12 कीबोर्ड से दबाते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो करंट फाइल होती है उसी के अंदर आपको कुछ भी डेटा सेव करना है करंट फाइल के अंदर, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, अगर आप एक नई फाइल उसको सेव करना चाहते हो नई फाइल के अंदर, तब आप दबाएंगे F12, इससे क्या होगा, जितना भी कंटेंट है किसी नई फाइल में जाके जो है सेव हो जाएगा, जहां पे हम उस फाइल का नेम भी देंगे, तो सेव एस। करंट फाइल में सेव करना है तो कंट्रोल एस दबा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंटेंट इसको बोलते हैं, ये देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, जैसे ये है पैराग्राफ, ठीक है, अब मैंने कंट्रोल टी जैसे ही दबाया तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो है फर्स्ट लाइन वहीं पे रहेगी, बट जो नीचे का पार्ट है वो उसके नीचे आ जाएगा, हैंगिंग बोलते हैं इसको, हैंगिंग, हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, अगर आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, जैसे कि ये है कंट्रोल यू, जैसे आप प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, मान लो डबल अंडरलाइन चाहिए दो बार, तो क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी दबा दीजिए तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा, तो ये आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए, जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है उसको आप पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी किया और इसको मुझे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी दबा देंगे पेस्ट हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, क्लोज, किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट ओपन है बंद करना चाहता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू प्लस करेंगे बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स, टेक्स्ट को कट करने के लिए, अब ये टेक्स्ट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे कहीं और चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा कंट्रोल के साथ एक्स दबाऊंगा, यहाँ से कट हो जाएगा और कहीं और इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल के साथ वी,
सिंपल है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई रिपीट करने के लिए और कंट्रोल प्लस जेड अनडू करने। आई होप को आपको ये सभी जो है कि वो शॉर्टकट समझ में आ गए हैं। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।